जवान फिल्म एटली द्वारा 2023 भारतीय हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म। जवान 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एटली ने अपने हिंदी डेब्यू में सह लिखित और निर्देशित किया है। इसका निर्माण गौरी खान और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में है, जो समाज में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, प्रियमणि और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। सितंबर 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई और फिल्मांकन पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित था, जिसमें जीके विष्णु द्वारा छायांकन और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। फिल्म के तमिल संस्करण के लिए कुछ दृश्यों को एक साथ फिर से शूट किया गया था, विशेष रूप से जिंदा बंदा तमिल में, वंधा एडम गीत में खान की उपस्थिति, सेतुपति के हिस्से और योगी बाबू के साथ दृश्य। जवान को शुरू में 2 जून 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अधूरे पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे 7 सितंबर 2023 को मानक आईमैक्स, 4DX और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में जन्माष्टमी के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके कलाकारों के प्रदर्शन, पटकथा लेखन, एक्शन दृश्यों और संगीत स्कोर की प्रशंसा की। फिल्म ने हिंदी फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो खान की पिछली रिलीज पठान 2023 द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से आगे निकल गए। 1148321 INR 140 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स मिलियन से अधिक की कमाई करते हुए ये 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। 69 फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 14 नामांकन मिले। कथानक आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है, जो 6 कैदियों के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण करता है। लक्ष्मी, ईरिम, इश्करा, कल्कि, हेलेना और जाह्नवी यात्रियों को बंधक बनाकर रखते हैं। आजाद बताते हैं कि कैसे कल्कि के किसान पिता ने कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर ली। आजाद NHG अधिकारी नर्मदा राय से कृषि मंत्री से बंधकों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहने के लिए बातचीत करते हैं। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया बंदियों में से एक है और वह सौदे को वित्त पोषित करने के लिए सहमत हो जाता है। आजाद उस पैसे को देश के 700,000 गरीब किसानों की कर्ज माफी के लिए दान करने की योजना बनाता है। आजाद और उसका गिरोह किसानों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करता है और भाग जाता है। आलिया के जरिए वह काली को अपना नाम विक्रम राठौर बताता है। आजाद नर्मदा और उसकी छोटी बेटी सुची से मिलता है और उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी के बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान का पता चलता है और काली का भाई मनीष जोड़े को पकड़ लेता है और उन्हें प्रताड़ित करता है। आजाद को उसके हमशक्ल विक्रम राठौर ने बचाया। नर्मदा एक कैदी का वेश धारण करके जेल में आजाद के साथियों से भिड़ती है। यहाँ उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में कैप्टन विक्रम राठौर भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स यूनिट में एक कमांडो थे। उन्हें एक ऑपरेशन पर भेजा गया था, जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों का सामना करना पड़ा था। विक्रम और उनकी टीम ने एक युवा काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो उस समय हथियारों का आपूर्ति करता था। उसी रात काली ने विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर हमला किया, उन्हें अलग किया और विक्रम को एक विमान से गोली मार दी। जब आजाद 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या ने उसे फांसी से पहले अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। दुनिया से अनभिज्ञ विक्रम हमले में बच गया, लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठा। उसे पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी समूह ने पाया और बचाया। वर्तमान में नर्मदा के अधीनस्थ ईरानी के बारे में पता चलता है कि वह काली के वेतन पर है। वह उन सभी को गोली मारने की कोशिश करता है। लक्ष्मी गोलीबारी में मारी जाती है। आजाद ईरानी को मारता है और काली के ट्रक चुरा लेता है, जिसमें उसके पिता, उसकी टीम और उसके पिता के दोस्त शामिल हो जाते हैं। ट्रकों में आगामी चुनावों के लिए पैसे होते हैं, जिनका इस्तेमाल काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। विक्रम और उसकी टीम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। आजाद जनता के लिए एक वीडियो जारी करता है। वह और आजाद मिलकर लड़ते हैं और काली को फांसी पर लटका देते हैं।
कुछ महीने बाद एसटीएफ अधिकारी माधवन नायक, जिसने आजाद को उसके मिशन पूरे करने में मदद की थी, उसे स्विस बैंकों को निशाना बनाने वाला एक नया मिशन सौंपता है। शाहरुख खान कैप्टन विक्रम राठौर और आजाद के रूप में नयनतारा फोर्स वन की प्रमुख नर्मदा राय के रूप में विजय सेतुपति, हथियार डीलर काली गायकवाड़ के रूप में दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राठौर के रूप में विक्रम की पत्नी, विशेष उपस्थिति प्रियमणि लक्ष्मी के रूप में सानिया मल्होत्रा, डॉक्टर ईरम के रूप में सुनील ग्रोवर, ईरानी के रूप में रिद्धि डोगरा, कावेरी के रूप में आजाद की पालक माँ संजीता भट्टाचार्य, हेलेना के रूप में एक नैतिक हैकर गिरिजा ओक, इश्करा के रूप में एक कलाकार लहर खान, कल्की के रूप में आलिया कुरैशी, जाह्नवी के रूप में मुकेश छाबड़ा, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव के रूप में योगी बाबू, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव के रूप में तमिल संस्करण एजाज खान, मनीष गायकवाड़ के रूप में काली के भाई सर्गे, तशिल ट्रिम जूजू के रूप में सीजा सरोज मेहता, सुजी राय नर्मदा की बेटी के रूप में प्रियांश वेटियानी और अरिजीत गौरव, यंग आजाद के रूप में भारत राज इराएम्बू के रूप में केनी बसुमतारी, नजीर अहमद के रूप में रविराज कांदे, पुष्कर महाराज के रूप में उत्सव नरूला, महावीर सिंह के रूप में जाफर सादिक, सुधीर के रूप में नरेश गोसाई, कृषि मंत्री के रूप में अश्विन कौशल, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सुखी गरेवाल, मुराद के रूप में मनोज पांडे द्वारा आवाज दी गई अभिषेक देसवाल, अब्दुल के रूप में साई धीना, काली के गुर्गे के रूप में आश्लेषा ठाकुर, आलिया गायकवाड़ काली की बेटी के रूप में स्मिता तांबे, कल्की की मां के रूप में ओंकार दास मानिकपुरी, कल्की के पिता के रूप में विवेक रघुवंशी, कमांडो अलिफ के रूप में विराज घेलानी, दुबे के रूप में रविंद्र विजय, मुकुंद मेनन जिला कलेक्टर के रूप में सिरी हनुमथू, सब महिला जेल की जेला आजाद की वफादार शरद व्यास, जज के रूप में डोरेंड्रो लोइटो, बाम गांव के चिकित्सक के रूप में अबीरल लिंबू, युवा जूजू के रूप में लीशा एक्लेयर्स, काली की पीए के रूप में संजय दत्त, एसटीएफ अधिकारी माधवन नायक, विशेष उपस्थिति के रूप में एटली खुद जिंदा बंदा, गाने में कैमियो उपस्थिति के रूप में निर्माण विकास। अक्टूबर 2019 में ये बताया गया कि शाहरुख खान 2018 के बाद तमिल फिल्म निर्देशक एटली के साथ अपनी फिल्म के लिए सहयोग करेंगे। बिगिल के प्रचार कार्यक्रम में मौजूद हरीश शंकर ने एटली और खान के बीच सहयोग की पुष्टि की। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एटली ने 2020 में जूम कॉल के माध्यम से खान को कहानी सुनाई। मई 2021 में ये बताया गया कि फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा। फिल्म का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है, जबकि गौरव वर्मा सह निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं। कंपनी ने 3 जून 2022 को परियोजना की पुष्टि करते हुए एक सार्वजनिक घोषणा की। फिल्म को 300 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया था। एटली ने निर्देशक के साथ अपने लगातार चौथे सहयोग में एस रमना गिरिवसन के साथ मिलकर फिल्म की पटकथा लिखी। सुमित अरोड़ा ने संवादों में योगदान दिया। एटली ने छायाकार जी के विष्णु, संपादक रूबेन, कला निर्देशक टी मुथुराज और स्टंट निर्देशक अनिल अरासू सहित अपने अधिकांश सामान्य तकनीशियनों को बरकरार रखा। स्पिरो रजाटोस, क्रेग मैक्रे, यानिक बेन, कैचा खम्फाकदी और सुनील रोड्रिगस को भी स्टंट निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। फिल्म के नृत्य कोरियोग्राफरों में फराह खान, वैभवी मचेंग, शोभी और ललिता शामिल है। कास्टिंग मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान को पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाने की सूचना मिली थी और उन्हें 6 अलग अलग लुक में देखा जाएगा। नयनतारा को खान के साथ मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, इस प्रकार यह उनकी हिंदी सिनेमा की शुरुआत थी। बाद में प्रियामणि, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा, हालांकि वह केवल तमिल संस्करण में मौजूद थे। राणा डगुबाती को प्रतिपक्षी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए मना कर दिया और इस तरह ये भूमिका विजय सेतुपति को मिल गई। दीपिका पादुकोण अगस्त 2022 में चेन्नई में अपनी विशेष उपस्थिति की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुई। सितंबर 2022 में विजय के फिल्म में कैमियो करने की खबर आई थी, लेकिन बाद में एटली ने इस खबर का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि वह खुद कैमियो कर रहे हैं। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान कैमियो की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुए। अल्लू अर्जुन से कैमियो करने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने पुष्पा 2 के लिए प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए भूमिका को अस्वीकार कर दिया। फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2021 में पुणे में शुरू हुई।
जवान के कुछ दृश्य द 30th ऑफ अगस्त से द 15th ऑफ सितंबर 2021 तक पुणे के संत तुकाराम नगर मेट्रो स्टेशन पर फिल्माए गए। फिल्मांकन पुणे मेट्रो पर हुआ। स्टेशन फिल्म के पोस्टर में भी दिखाई दिया, जहां खान मेट्रो स्टेशन पर बैठे दिखाई देते हैं। ये पुणे मेट्रो पर शूट होने वाली पहली फिल्म है। खान ने जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग फिर से शुरू की। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। नयनतारा अपनी शादी के बाद द 26th ऑफ जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल हुई। इस शेड्यूल के दौरान कुछ पारिवारिक सीक्वेंस शूट किए गए। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पादुकोण ने अपना कैमियो पार्ट शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूटिंग में शामिल हुए। इस शेड्यूल में खान और सेतुपति के बीच कुछ एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए। इस शेड्यूल के दौरान जेल में जिंदा बंदा गाना शूट किया गया। 5 दिनों तक शूट किए गए इस गाने में 1000 डांसर्स शामिल थे और इसे शोभी पॉलराज ने कोरियोग्राफ किया था। इस गाने को तमिल वर्जन के लिए वंधा एडम के रूप में भी शूट किया गया था। एक महीने का चेन्नई शेड्यूल द 7th ऑफ अक्टूबर को पूरा हुआ। अगला शेड्यूल अक्टूबर में राजस्थान में आयोजित किया गया था। खान और नयनतारा इस 20 दिवसीय शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में आयोजित किया गया, जहां खान ने कुछ पीछा करने के दृश्य शूट किए। संजय दत्त द 20th ऑफ मार्च 2023 को एक एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए शूटिंग में शामिल हुए। अप्रैल 2023 में खान और नयनतारा पर आधारित चलेया नामक एक गीत की शूटिंग मुंबई और बांद्रा वली सी लिंक पर की गई थी। उसी महीने के अंत में खान और दीपिका पादुकोण की कैमियो उपस्थिति के लिए पर्दा गीत की शूटिंग फिल्म सिटी मुंबई में की गई थी। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मध्य में खान और नयनतारा पर आधारित नॉट रमैया वस्तावैया नामक गीत की शूटिंग वैभवी मचेंद द्वारा मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई थी। पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 में शुरू हुआ और 6 महीने तक चला, क्योंकि फिल्म में व्यापक कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स शामिल है। संपादन का काम रूबेन ने संभाला। फिल्म का VFX काम रेड चिलीज VFX ने किया है। हैरी हिंगोरानी ने विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम किया और कीर्तन यादव फिल्म के VFX प्रोड्यूसर है। अप्रैल में कंपनी ने टीम में विजुअल इफेक्ट्स तकनीशियनों को काम पर रखा। रेड चिलीज कलर के केन मैजिकर ने फिल्म के लिए कलरिंग की। कुणाल राजन ने साउंड डिजाइनर के रूप में काम किया। नयनतारा ने मई 2023 की शुरुआत में अपने किरदार के लिए डबिंग की। दीपा वेंकट ने फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करणों के लिए नयनतारा के लिए डबिंग की। रवीना रवि ने फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करणों के लिए दीपिका पादुकोण के लिए डबिंग की। फिल्म की अंतिम प्रति अगस्त 2023 की शुरुआत में तैयार हो गई थी और उसी महीने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC को सौंप दी गई थी। द 22nd ऑफ अगस्त 2023 को फिल्म को सेंसर बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला, जिसकी अंतिम अवधि 169 मिनट थी। विषय और प्रभाव। शाहरुख खान के अनुसार फिल्म का विषय महिला सशक्तिकरण है। द टेलीग्राफ में अग्निवो नियोगी ने तर्क दिया कि जवान कई शाहरुख खान फिल्मों को श्रद्धांजलि देता है, जिसमें फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, चक दे इंडिया, स्वदेश, चेन्नई एक्सप्रेस और इंडिया टुडे शामिल है। साथ ही ये भी चर्चा करता है कि चक दे इंडिया ने जवान को कैसे प्रभावित किया। द हिंदू ने आगे कहा कि जवान में मैं हूँ ना, रब ने बना दी जोड़ी और डुप्लीकेट का संदर्भ है। डॉक्टर इरम, जो फिल्म के प्रमुख पात्रों में से एक है, वास्तविक जीवन की घटनाओं और व्यक्तियों से प्रेरित है। डॉक्टर कफील खान, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं, इस चरित्र की प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। डॉक्टर खान 2017 के गोरखपुर अस्पताल में हुई मौतों में शामिल होने के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। डॉक्टर खान को गिरफ्तार किया गया और इस घटना से संबंधित कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। फिल्म में डॉक्टर इरम का किरदार संभवतः चिकित्सा नैतिकता, जिम्मेदारी और स्वास्थ्य पेशेवरों के सामने आने वाली चुनौतियों के विषयों की पड़ताल करता है। फिल्म भारत में किसानों की आत्महत्या में योगदान करने वाले कारकों की भी पड़ताल करती है। विक्रम राठौर और काली गायकवाड़ वाला एक दृश्य बोफोर्स घोटाले से प्रेरित है, जो भारतीय सेना के लिए बोफोर्स हॉविट्ज़र की खरीद से संबंधित भारत में एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय विवाद था। ये घोटाला हथियारों के सौदे में भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता था, जिसका भारतीय राजनीति और रक्षा खरीद पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
फिल्म में ये दृश्य भ्रष्टाचार, राजनीतिक साजिश और उच्च दाम स्थितियों में किए गए अनैतिक निर्णयों के परिणामों पर प्रकाश डालता है। चरित्र काली को एबी बोफोर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो संभवतः घोटाले का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दर्शाता है, जो बड़े घोटालों और विवादों में व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका पर जोर देता है। काली का चरित्र घोटाले के लिए एक रूपक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो जवाबदेही, जिम्मेदारी और समाज में भ्रष्टाचार के प्रभाव के विषयों की खोज करता है। संगीत साउंडट्रैक अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है, जो शाहरुख खान और एटली के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। ये बॉलीवुड में एकल संगीतकार के रूप में उनकी शुरुआत भी होगी। इससे पहले उन्होंने डेविड के लिए एक गीत और जर्सी के लिए बैकग्राउंड स्कोर बनाया था। शुरुआत में ए आर रहमान को कथित तौर पर निर्देशक एटली ने फिल्म के लिए संगीत देने के लिए संपर्क किया था। बाद में रहमान ने अज्ञात कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अनिरुद्ध को फिल्म के लिए संगीत देने के लिए चुना गया। संगीत अधिकार टी सीरीज ने 36 करोड़ रुपए में हासिल किए, जो एक हिंदी एल्बम के लिए रिकॉर्ड कीमत थी। साउंडट्रैक में अनिरुद्ध द्वारा रचित 7 मूल गीत शामिल हैं, जिनके नाम हैं जिंदा बंदा, चलेया, नॉट रमेया वस्तावेया, आरारी रारो, जवान टाइटल ट्रैक, फरता और चलेया अरबी। गीत इरशाद कामिल और कुमार द्वारा लिखे गए हैं। मार्केटिंग 3 जून 2022 को फिल्म का शीर्षक और रिलीज की तारीख का खुलासा एक टीजर वीडियो के माध्यम से किया गया, जिसमें खान को एक संदिग्ध किरदार में दिखाया गया, जो घायल है और पट्टियों में लिपटा हुआ है, जो बदले की एक दिलचस्प कहानी को दर्शाता है। बाद में फिल्म को स्थगित कर दिया गया और 6 मई 2023 को जारी किए गए मोशन पोस्टर के माध्यम से एक नई रिलीज की तारीख की घोषणा की गई। 10 जुलाई 2023 को जवान प्रीव्यू नामक एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 112 मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला भारतीय टीजर बन गया। इसके बाद टीजर को मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, जेलर और गदर 2 के प्रिंट के साथ थिएटर स्क्रीनिंग के लिए जोड़ा गया। जुलाई 2023 में जब जिंदा बंदा गीत का अनावरण किया गया, तो शोभी पॉलराज द्वारा कोरियोग्राफ किया गया और संगीत वीडियो में खान द्वारा किया गया हुक सटेप तेजी से वायरल हुआ, जिससे गीत की लोकप्रियता में इजाफा हुआ और यह सोशल मीडिया सनसनी बन गया। कई लोगों ने गाने पर अपने स्वयं के नृत्य प्रदर्शन रिकॉर्ड करके और इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करके हुक सटेप सिग्नेचर सटेप को फिर से बनाया है। GM मॉड्यूलर द्वारा किए गए फिल्म के प्रचार के एक हिस्से के रूप में मार्केटिंग टीम ने मुंबई मेट्रो और बाद में कोलकाता मेट्रो में फिल्म के पोस्टर डिजाइन किए। जवान का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2023 को फुली फिल्मी द्वारा लॉन्च किया गया था। 30 अगस्त 2023 को चेन्नई में श्री साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज में फिल्म के लिए एक भव्य प्री रिलीज इवेंट हुआ, जहां खान ने कमल हासन से शुभकामनाएं प्राप्त की और किस्से साझा किए। मिर्ची विजय और भावना बालकृष्णन ने कार्यक्रम की मेजबानी की। कार्यक्रम के टेलीविजन स्ट्रीमिंग अधिकार सन नेटवर्क द्वारा हासिल किए गए। इस कार्यक्रम का प्रसारण 3 सितंबर को सन टीवी और सूर्या टीवी पर किया गया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 31 अगस्त 2023 को जारी किया गया। उसी दिन खान प्रशंसकों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने के लिए दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसे प्रदर्शित किया। फिल्म की रिलीज के बाद गूगल ने फिल्म को समर्पित एक इंटरैक्टिव डूडल पेश किया, जिससे उपयोगकर्ता रचनात्मक और मजेदार तरीके से फिल्म के विषय से जुड़ सके और उसका पता लगा सके। रिलीज थिएट्रिकल जवान को 7 सितंबर 2023 को मानक आईमैक्स 4DX और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं के डब संस्करणों में रिलीज किया गया था। शुरुआत में फिल्म को 2 जून 2023 को रिलीज किया जाना था। हालांकि मई 2023 में ये बताया गया कि फिल्म अगस्त 2023 तक विलंबित हो गई है। इसके अतिरिक्त ऐसी रिपोर्टें थी जो संकेत देती थी कि फिल्म अभी भी अपनी मूल रूप से निर्धारित तिथि पर रिलीज हो सकती है। हालांकि बाद में ये पुष्टि की गई कि फिल्म 7 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। जवान दुनिया के सबसे बड़े आईमैक्स थिएटर आईमैक्स लियोनबर्ग में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। यह अन्य प्रमुख देशों की तरह ही बांग्लादेश में भी अपनी विश्वव्यापी रिलीज के उसी दिन रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। जवान का प्रीमियर दुनिया भर में 10,000 से अधिक स्क्रीन पर हुआ, जो किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक और किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक में से एक है। भारत में यह 5,500 से अधिक स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई।
तमिलनाडु में इसे 650 से अधिक स्क्रीन और केरल संस्करण में 350 से अधिक स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाने की सूचना मिली थी, जो इस क्षेत्र में किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक है। सुबह के शो पूरे बंगाल में 2:15 बजे आयोजित किए गए। जवान ने हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ी अग्रिम बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया, जो पहले खान की अपनी फिल्म पठान द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी। ये रिकॉर्ड सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स चेन दोनों में हासिल किया गया। अधिक ट्रैफिक के कारण मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स की बुकिंग साइटें बंद हो गई। यह फिल्म 30 सितंबर 2023 को लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। वितरण: पेन स्टूडियोज ने पेन मरुधर एंटरटेनमेंट बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाट्य अधिकार हासिल किए। श्री गोकुलम मूवीज ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म के नाट्य वितरण अधिकार 501OOINR में हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जायंट मूवीज और केरल में ड्रीम बिग फिल्म्स के तहत रिलीज की गई। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वितरण अधिकार हासिल किए। मैसूर क्षेत्र के अधिकार पैनोरमा स्टूडियो ने हासिल किए हैं। ACF ने पश्चिम बंगाल के नाट्य अधिकार हासिल किए। राजश्री प्रोडक्शंस ने ओडिशा में और प्रकाश पिक्चर्स ने बिहार में फिल्म का वितरण किया। विदेशी नाट्य अधिकार यशराज फिल्म्स को बेचे गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के वितरण अधिकार हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट ने रोंगाधुनु ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म का वितरण किया। फ्राइडे एंटरटेनमेंट ने फ्रांस में फिल्म का वितरण किया। होम मीडिया जवान के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को 2501OOINR 31 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स मिलियन में बेचे गए। प्लेटफॉर्म पर फिल्म के विस्तारित संस्करण का प्रीमियर 2 नवंबर 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में खान के 58 जन्मदिन के अवसर पर किया गया। सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क ने हासिल किए हैं। रिसेप्शन बॉक्स ऑफिस 10 नवंबर 2023 तक जवान ने भारत में 7619810INR 95 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स मिलियन और विदेशों में 3863410INR 48 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स मिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 1148321INR 140 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स मिलियन से अधिक की कमाई हुई है। रिलीज के पहले दिन फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ 6510INR 8 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 10 सेंट्स मिलियन की कमाई की। इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करणों से 1010INR 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड 30 सेंट्स मिलियन की कमाई हुई, जिससे कुल 7510INR 9 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 40 सेंट्स मिलियन की कमाई हुई। दुनिया भर में सभी संस्करणों ने पहले दिन 12910INR 16 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स मिलियन की कमाई की। इसने खान की पिछली रिलीज पठान को पीछे छोड़ते हुए हिंदी के साथ साथ भारतीय फिल्म के लिए कई ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाए। ऑस्ट्रेलिया में ये बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने अपने पहले दिन 400,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की कमाई की। अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 4510INR की कमाई की, जिससे कुल 11010INR का शुद्ध संग्रह हुआ। ये पठान को पछाड़ते हुए घरेलू स्तर पर 3 दिनों में 2010INR से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। ये भारत में 5 दिनों में 3010INR से अधिक की कमाई करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्म भी बन गई। यह 9 दिनों में 4010INR से अधिक और घरेलू स्तर पर 13 दिनों में 5010INR से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म भी बन गई। अपनी रिलीज के 18 दिन जवान दुनिया भर में 10010INR से अधिक की कमाई करने वाली छठी भारतीय फिल्म बन गई और ऐसा करने वाली केवल तीसरी हिंदी फिल्म बन गई, साथ ही ऐसा करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्म भी बन गई। यह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी है। यह अब तक की सबसे ज्यादा 4 वीकेंड की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये भारत में 6010INR से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। भारत के बाहर जवान की ओपनिंग वीकेंड ओवरसीज ग्रॉस कुल 32.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 12 सितंबर तक इसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MENA क्षेत्रों से 8.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और UK और यूरोपीय बाजारों से 8.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए।
जवान अपने डब संस्करणों में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बन गई है। द 4th ऑफ अक्टूबर को ये मध्य पूर्व बॉक्स ऑफिस पर 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। जवान को आलोचकों से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिन्होंने इसके कलाकारों के अभिनय, पटकथा लेखन, एक्शन दृश्यों और संगीत स्कोर की प्रशंसा की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 35 आलोचकों की 89% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, कथानक के उतार चढ़ाव और लुभावने एक्शन से भरपूर, जवान अपने जटिल कथानक और प्रभावशाली लंबाई को उच्च ऑक्टेन पैनाचे के साथ प्रबंधित करता है। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने 4/5 स्टार दिए और जवान की राजनीतिक कहानी की सराहना करते हुए लिखा कि यह निर्भीक और सीधे तौर पर अप्रभावी सरकार पर उंगली उठाती है और उंगली और वोट की शक्ति को पहचानने की अपील करती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभरा गुप्ता ने 3.5/5 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म ने एक बेबाक सामूहिक मनोरंजन के रूप में तैयार होने के बावजूद समय पर राजनीतिक संदेश दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने इसे एक विशाल सार्थक एक्शन फिल्म कहा। स्क्रॉल। इनकी नंदिनी रामनाथ का मानना था कि फिल्म मुख्य रूप से खान के कारण सफल रही। उन्होंने लिखा कि उनकी स्क्रीन छवि विशाल, प्यार से सराबोर, पुराने धन से नायक, बिना आक्रामक रूप से मर्दाना, असम्मानजनक लेकिन ईमानदार एक ऐसी धारणा को बेचने में मदद करती है जो किसी अन्य अभिनेता के साथ टकरा सकती थी। इंडिया टुडे के तुषार जोशी ने 3.5/5 स्टार दिए और माना कि खान के प्रदर्शन और एटली के निर्देशन ने एक विशिष्ट रॉबिन हुड एस्क कहानी को बेहतर बनाया है। न्यूज 18 के सोनल देदिया ने 4/5 स्टार दिए और इसे मसाला फिल्म करार दिया और कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी सतर्क एक्शन थ्रिलर है जो दर्शकों को आकर्षित करती है और प्रचार के अनुरूप रहती है। लेखन में दूर की कौड़ी लेकिन स्टार पावर और शैली पर उच्च। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहारे ने 3.5/5 दिए और उनका मानना था कि जवान में खान की पिछली रिलीज पठान की तुलना में ज्यादा कहानी और उद्देश्य था। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 4.5/5 स्टार दिए और लिखा, जवान बेहतरीन अभिनय, रोमांचकारी और ताली बजाने लायक क्षणों, बड़े से बड़े एक्शन दृश्यों और शाहरुख खान के पहले कभी नहीं देखे गए अवतार के साथ एक व्यापक मनोरंजन है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने 4/5 स्टार दिए और कहा कि एक्शन कोरियोग्राफी किसी भी उच्च श्रेणी की हॉलीवुड फिल्म के बराबर थी। NDTV के सेवल चटर्जी ने 3.5/5 स्टार दिए और निष्कर्ष निकाला, एक उच्च ऑक्टेन एक्शन फिल्म में आप जो भी सामग्री उम्मीद करेंगे वह सबसे भरपूर। जवान एक शानदार मेटा वाहन है जिसमें एक स्टार सीधे अपने प्रशंसक आधार से संवाद करता है और उन विषयों पर बात करता है जो संबोधित करने के लिए रो रहे हैं। मिंट लाउंज के उदय भाटिया ने जवान को अव्यवस्थित गड़बड़ करार दिया, लिखा कि खान के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद फिल्म की कहानी सुसंगत नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने 3.5/5 स्टार दिए और उम्रदराज खान की तुलना जॉर्ज क्लूनी से की, खान और नयनतारा की स्टार पावर और खान और पादुकोण के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की। द गार्जियन के माइक मैकहिल ने 3/5 स्टार दिए और खान की स्टार पावर की भी सराहना की और कहा, जवान पूरी ताकत से आश्चर्यजनक अंदाज में कई जमीन को कवर करता है लेकिन यह स्वीकार करने का एक विनम्र तरीका भी है कि ये पूरी तरह से हर जगह है। इंडीवायर की प्रोमा खोसला ने एटली के काम, अनिरुद्ध के संगीत और मुख्य अभिनेताओं के अभिनय की प्रशंसा की। उन्हें लगा कि फिल्म को बड़ी भीड़ के साथ बड़े पर्दे पर देखा जाना चाहिए। फिल्म थरेट के एलन एनजी ने टिप्पणी की, जवान एक याद दिलाती है कि एक्शन फिल्में क्या हुआ करती थी। पॉलीगॉन के पीट बोल्क ने फिल्म का वर्णन रॉबिन हुड का चार्लीज एंजल्स से मिलन के रूप में किया। रोजे बट के साइमन अब्राम्स ने कहा, खान भविष्य। रिलीज के बाद ये बताया गया कि फिल्म का दूसरा भाग भी होगा। फिल्म की सफलता के कारण खान ने फिल्म के सीक्वल की संभावना पर जोर दिया। पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एटली ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि फिल्म का वास्तव में सीक्वल होगा और विक्रम राठौर के चरित्र पर केंद्रित एक स्पिन ऑफ फिल्म बनाने की योजना का भी खुलासा किया। बाद में सितंबर 2023 में ये बताया गया कि एटली ने सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।